भजन संहिता 95, भजन संहिता 95। आइए हम पढ़ेंगे स्तुति का गीत। मेरे पीछे आप सभी, आपने इसको दोहराना है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मसा के दिन जंगल में हुआ था जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन है और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना इस कारण मेरे क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे आइए हम अपने हाथों को उठाकर इस वचन के लिए धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद इस भजन संहिता के लिए, हमें इसमें से सिखा और अपनी मर्जी के अनुसार चला, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मुझे यह अवसर दिया कि यहाँ पर आकर मैं परमेश्वर के वचन में से आप सभी को कुछ बातों को सिखा सकूं। हालेलुया। उसके बाद मैं पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ आज के इस समय के लिए, आप सभी को इस चर्च के एनिवर्सरी की, इस चर्च के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, और आप सभी यहाँ पर अपने समय को छोड़ते हुए और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए, उसका बहुत धन्यवाद हो। परमेश्वर का भी धन्यवाद हो और इस सभा के लिए भी धन्यवाद हो। हालेलुया। आज हमने भजन संहिता पढ़ा, भजन संहिता 95, जिसका शीर्षक है स्तुति का गीत। आज हम यहाँ पर एक उत्सव मनाने, इस कलीसिया के स्थापना दिवस के उत्सव को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमें कैसे इकट्ठे होना है, खुशी के साथ या उदास होकर? कैसे होना है? खुशी के साथ। कैसे? परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की
स्तुति करते हुए। इसीलिए आज हमने वचन में पढ़ा है स्तुति का गीत, स्तुति का गीत, भजन संहिता 95। और जब हमने इस भजन को पढ़ा, हम देखते हैं इस भजन को भजनकार लिखने वाला दाऊद है। कौन है? दाऊद है। भजन संहिता हमें क्या सिखाता है? भजन संहिता को ज्ञान की किताब कही गई है। कौन सी किताब? ज्ञान की किताब। क्यों कही गई है? क्योंकि ये हमें परमेश्वर के गहरे भेदों को बताता है, उसकी आराधना कैसे करनी है वो बताता है, और भजन संहिता हमें सिखाता है कि हमने अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उस परमेश्वर के साथ कैसे वफादार होकर चलना है। हालेलुया। और जब हमें इतनी बातें ये भजन सिखाता है, पूरा भजन संहिता की किताब सिखाती है, तो हमें ये हर रोज पढ़ना चाहिए या नहीं? हालेलुया। हमें इस भजन को हर रोज पढ़ना चाहिए। तो आज आइए हम जब देखते हैं कि ये स्तुति का गीत, इस भजन में, भजन संहिता 95 में 11 आयते हैं। कितनी आयते हैं? 11 वर्सेस है, जिसमें से पहली 7 आयत परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करती है। क्या करती है? और स्तुति करती है, दो चीजें करती। और आखिरी जो 6 से 11 आयत है, 5 आयते हैं, वो हमें सिखाती है कि हमने परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। हालेलुया। पहले हमें सिखाता है, पहली सात आयते, कि हमने कैसे उसकी आराधना करनी है, और बाकी की 6 आयते हमें सिखाती कि हमने कैसे उसके साथ वफादार होकर चलना है। आइए हम ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम जल्दी से इस वचन में देखेंगे कि पहली 2 आयते हमें ये बताती है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। कैसे आएं उसके सम्मुख? धन्यवाद करते हुए, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आएं। किसके सम्मुख आएं? हम किसकी आराधना करते हैं? एक जीवित खुदा की। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, हमारा परमेश्वर जो था, जो है और वो जल्द आने वाला है, वो एक जीवित खुदा है। हमने सबसे पहले किसकी आराधना करनी है? एक जीवित खुदा की। और उसकी आराधना हमने कैसे करनी है? हम देखते हैं पहले वचन में क्या लिखा है, ऊंचे स्वर से। अभी हम सब गीत गा रहे थे, कितने लोगों ने आवाज उठाकर गीतों को गाया है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सभी ने कैसे उसकी आराधना करनी? ऊंचे स्वर से उसकी आराधना करनी है, और फिर जय जयकार करते हुए अपनी उद्धार की चट्टान के करीब आए। हमारा परमेश्वर क्या है? उद्धार की चट्टान। मेरे पीछे बोले, क्या है हमारा परमेश्वर? उद्धार की चट्टान। वो, उसको चट्टान क्यों कहा गया है? उसे चट्टान इसलिए कहा गया है, पुराने समय में जब आदिवासी लोग रहते थे, या आज भी जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो जानवरों से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए चट्टानों के अंदर जाके छिप जाते थे। कहाँ छिपते थे? चट्टानों के अंदर जाके, ताकि उनकी जान को कोई नुकसान ना हो, ताकि वो जीवित रहें, ताकि वो मरे नहीं। वो तो एक शारीरिक चट्टान में जाकर अपने शरीर को बचाने के लिए घुसते थे और शरण लेते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा जिंदा खुदा, हमारे उद्धार की चट्टान है, जो हमारी सिर्फ शरीर को नाश होने से नहीं, परंतु हमारी आत्मा को नरक में जाने से बचाता है। हालेलुया। हमारी आत्मा को वो बचाता है, ताकि हमारी आत्मा, क्योंकि जब हम आज परमेश्वर में है तो हम मर भी जाएं, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। कितने लोगों को विश्वास है? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम सब विश्वास करते कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, तो हमें शरण किसकी लेनी है? उस जीवित
खुदा की। क्यों? क्योंकि वो हमारी उद्धार की, हमारे पापों से उद्धार की, हमारी बुराइयों से, हमारे रोगों से, हमारे दुखों से एक उद्धार की चट्टान है। हालेलुया। तो हमें उसकी शरण लेनी है। और जब हम उस महान परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ इंसानों को प्यार नहीं करता, उसने जो ये पूरी कायनात बनाई है वो उसे कितना प्रेम करता है। इंसान उद्धार के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर, उसने सिर्फ फूल पौधों पेड़ों जो हम सामने देख रहे हैं उन्हीं चीज़ों को नहीं रचा, उसने उन अनदेखी चीज़ों को भी रचा है जिसे हम देख नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कह रहा है। हम देखते हैं वचन 4 और 5, पहले चौथी आयत, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है। क्या किसी ने पृथ्वी के गहरे स्थान देखे कि पृथ्वी कितनी गहरी है? हमें से किसी ने देखा है? हम छोटे से मनुष्य हैं। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी गहरी है, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने उसे रचा है, उसमें वचन में क्या लिखा है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी। आज भी लोग बड़े बड़े पर्वतों पर जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, बड़े बड़े पर्वतों पर जाने जाकर अपनी फोटोज खींचते हैं और बताते हैं दुनिया के वैज्ञानिकों को कि हम इस पहाड़ पर गए, ये इतना ऊंचा है। लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयां अभी तक कोई नाप नहीं सका है। क्यों? वचन कहता है पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है, मतलब गहरे से गहरा, ऊंचे से ऊंचा उस जीवित परमेश्वर का है। तो हमें क्यों नहीं उसकी आराधना करनी चाहिए? हालेलुया। अब मैं आखिरी में जाऊंगी, वचन 7 से 11 हमें एक चेतावनी देता है। सबसे पहले हमें उसकी आराधना करनी है ऊंचे स्वर से। फिर हमें क्यों उसकी आराधना करनी है? क्योंकि वो हमारे उद्धार की चट्टान है। जाने अनजाने में, गलती में, अंधेरे में हम लोग पाप करते हैं, लेकिन उस पाप को भी परमेश्वर देखता है। चाहे हम अकेले ही कमरे में क्यों नहीं है, हम कई बार पाप करते हैं, छोटी से छोटी बात में भी उसको भी परमेश्वर देखता है। लेकिन जब हम उसके समीप आकर माफी मांगते तो वो हमें क्षमा करने में दयालु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें उसकी ऊंचे स्वर से आराधना करनी है, क्योंकि वो हमारे उद्धार की, हमारी आत्मा की उद्धार की चट्टान है। पृथ्वी के गहरे स्थान और पहाड़ों की ऊंची चोटियां भी उसी परमेश्वर की है। तो हम तो मनुष्य क्या है। अब परमेश्वर आगे हमें चेतावनी देता है कि मैं इतना महान हूं, अगर तुम मेरी आराधना ही नहीं करोगे तो क्या होगा। आइए हम देखेंगे वचन 7 में, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। ये इसराइलियों के लिए कहा गया, लेकिन आज ये हमारे लिए है। भला हो कि तुम आज उसकी बात सुनो। वो कैसे? क्योंकि अगर हम अपने दिल को कठोर नहीं करेंगे, पिछले बीते दिनों में हम सभी गवाह है कि हमारे लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं। कितने लोगों की जिंदगी में बड़े काम हुए हैं? प्रेज लॉर्ड, हम सभी की जिंदगी में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने वाला है। अब वो हमें 7 से 11 वचन में कहता है कि अगर हम उसके बड़े बड़े कामों को देख कर भी अनदेखा करते हैं, जानकर भी अनदेखा करते हैं और अपने हृदयों को कठोर करते हैं और परमेश्वर के इस पाक वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हम आखिरी वचन में देखते हैं कि वो परमेश्वर क्या कहता है। हम 10वें वचन में देखेंगे कि 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। क्यों भटकने वाले मन के हैं? क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है, पर हम उन कामों को भूल जाते हैं। और अगर आज हमारी जिंदगी में दुख आया तो हम बोलते कि परमेश्वर तो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहा है, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हम ऐसे सोचते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसने बीते दिनों में कितने बड़े अचंभित काम किए हैं। लेकिन आज अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो तो मुझे भूल गया। तो परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि मैंने इनके लिए इतने बड़े काम किए और ये तो भटकने वाले मन के हैं, ये तो इन्होंने तो मेरे मार्गों को नहीं पहचाना
मतलब ये तो भूल ही गए कि मैंने बीते दिनों में इनके लिए कितने बड़े काम किए। आज हम यहाँ क्यों उपस्थित है, क्योंकि बीते दिनों में परमेश्वर ने इस चर्च की स्थापना से लेकर आज तक कितने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और इस कलीसिया को, इस सेवकाई को आज कितने ऊंचे पर परमेश्वर ने पहुंचाया है। ये परमेश्वर के अपने हर एक की जिंदगी में पर्सनल पर्सनल बड़े काम है। लेकिन यहाँ परमेश्वर अब वार्निंग दे रहा है, कह रहे इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। कितना बड़ा परमेश्वर ने परिणाम दिया उन लोगों को जो परमेश्वर की बात को जानकर, वचन को जानकर, उसके सब बड़े बड़े कामों को देखकर भी उसके पीछे नहीं चलते। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, वो मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश ना करने पाएंगे। कौन सा विश्राम स्थान? वो स्वर्ग में नहीं जाने पाएंगे। आज अगर आप अपने मन को फिराकर अपने आप को जांचिए कि मैं क्या हर एक परिस्थिति में उस खुदा की आराधना करता हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। अगर आज हम करते हैं तो परमेश्वर का वायदा है, वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। परंतु चेतावनी भी है, अगर हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसका धन्यवाद नहीं करते, विश्वास योग्य होकर नहीं रहते, तो उसने कहा वह मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। तो आइए आज हम अपने मनों को जांचें, और जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम उसके इन वचनों को अपने दिलों में सोचते समझते हुए यहाँ पर प्रार्थना पूर्वक बैठें, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और परमेश्वर के साथ एक नए रिश्ते को कायम करें। हालेलुया। इसी वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। ये अपने आप को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। इस वचन सहायता के लिए